स्किन को ब्राइटन करने की किसको चाह नहीं होती स्किन पे कोई भी स्पॉट ना रहे किसको चाह नहीं होती आपको है कि आपकी बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाए सो so, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि सेफ होंगे घर पे यूज कर सकते हो साथ ही में फ्रेंड्स कैसे यूज करना है कहाँ मिलेगा कितने का है क्या इंग्रेडिएंट है सभी कुछ मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ सो so, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो आपनी बिल्कुल क्लियर स्किन इवन आउट स्किन कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है मलाजमा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है So, आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा वो क्लिक करके ग्रे कर दो और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर हेयर केयर एंडेड सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें लेट स्टार्ट वीडियो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं कुछ व्हाइटनिंग या गोरेपन को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ आपकी जो भी स्किन टोन है वो बहुत अच्छी है परफेक्ट है भगवान की दी हुई है हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए बट जो भी आपका स्किन टोन है स्किन कलर है स्किन कॉम्प्लेक्शन है अगर आपको कोई इश्यूज है तो प्रॉब्लम आती है राइट right? अगर पिंपल्स हो रहे हैं या एक्ने के मार्क्स रह चुके हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है मलाजमा है इवन आउट स्किन टोन है देन इज अ कंसर्न आपको उस पर ध्यान देना चाहिए सो so, उन सारी चीजों के लिए ना आपकी स्किन ब्राइटन हो जाए आपकी स्किन का टोन चेंज होना स्टार्ट हो जाए थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाए लाइक जैसे आप यंग एज का कलर था अब वो नहीं है आप छोटे थे आपका कलर कुछ और था अब वो नहीं है तो उन सारे टोन्स को वापस लाने के लिए कुछ एक्टिव इंग्रीडियंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आज की मार्केट में मार्केट में बहुत इंग्रीडियंट्स चल चुके हैं मैंने खुद ने बहुत इंग्रीडियंट्स यूज किए हैं क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूं मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं सो so, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो अमेजिंग इंग्रीडियंट्स हैं जो मुझे बेनिफिट दिए इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ मैंने खुद वो ट्राई किए सो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा ना फ्रेंड्स वो है गायकोलिक एसिड मेरे चैनल पे एसिड की बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो माइक्रोलैप्स की तरफ से वो भी है बट इन केस आप क्रीम्स अवॉइड करते हो या आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो नहीं सूट कर रही है सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन दिस इज फ्रॉम मिनिमिलिस्ट गायकोलिक एसिड एट परसेंट टोनर ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स आप इसको फेस पे लगा सकते हो नेक पे लगा सकते हो अपने अंडर आर्म्स पे लगा सकते हो आपकी जहां पे भी टैनिंग हो रही है या मलाजमा का इश्यू है एक्सफोलिएट करना चाहते हो अपने स्किन को जो भी पर्टिकुलर एरिया है आप उस पे लगा सकते हो बट प्लीज मेक श्योर प्राइवेट पार्ट पे आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कमेंट मुझे बहुत आते हैं फ्रेंड्स ये बेसिकली आपकी स्किन को स्मूथ एक्सुलेट क्लियर और जितने भी डार्क स्पॉट्स है उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप इसको स्किन केयर में एड ऑन कर लेते हैं तो प्राइस पॉइंट में कहूं इतना ज्यादा महंगा भी नहीं इतना सस्ता भी नहीं है मिड रेंज में है सभी अफोर्ड कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो होंगे एमेजोन से बाई के इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप चेकआउट कर सकते हो ऑल स्किन टाइप के लिए ये वाला जो है प्रोडक्ट है बिल्कुल लिक्विड ही है Uh, इसको मैंने यूज़ किया है तो इतना सा ये ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी और मैं इसको स्टिल अपने स्किन केयर में एड ऑन कर चुकी हूँ और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स oh. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है एक सिरम ठीक है uh, ये जो सिरम होगा ना फ्रेंड्स ये है सार्टन कंपनी का है फ्रेंड्स ये ये है एंटी एजिंग सिरम अब ये एंटी एजिंग सिरम मैं क्यों लेकर आई हूँ क्योंकि कईयों को हो क्या होता है उनकी स्किन टोन भी ख़राब होती है उनकी बहुत डल भी हो जाती है स्किन तो उस उस केस में क्या करना है आपने सिर्फ अपनी डल पे काम नहीं करना है आपको अपनी एजिंग पे भी काम करना होगा राइट जो बिल्कुल ढल सी गई है स्किन उसको भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा प्लम्ब करना पड़ेगा सो दिस इज द गॉड ऑप्शन इसके अंदर रेटिनॉल है जो कि है वन पर्सेंट हाइड्रॉनिक एसिड भी डाला गया है हाइड्रोनिक एसिड भी डाला गया है एंड वाइटमिन सी भी डाला गया है जिसकी वजह से आपकी गुड ऑप्शन so अगर आप अपनी में थोड़ी एजिंग भी देख रहे हो और साथ ही में आपकी स्किन बहुत डल हो गई है टैन हो चुकी है सो दिस इज अ गुड ऑप्शन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो डू चेक इट आउट और साथ में मैं बताऊंगी ये कुछ ऐसा मिल्की वाइट कलर का इसका आ, मतलब थोड़ा सा ना टेक्सचर काइंड ऑफ है और मैं अगर ये बताऊं कि भाई ये कैसा है ये देखिए बिल्कुल रनी है और बिल्कुल अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा सभी स्किन टाइप इसको इजीली यूज कर सकते हैं कोई चिपचिपापन नहीं है अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है ना मेरे पास वो है मिनिमलिस्ट का फ्रेंड्स ये करंटली मैं इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी हाथा पिगमेंटेशन हो चुकी थी और इसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए हैं बेसिकली इसके अंदर है एक इंग्रेडिएंट जो कि सुपर्ब है ट्रानिजामिक थ्री परसेंट इसके अंदर डाला गया है फ्रेंड्स सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो कि माना जाता है हाफ पिगमेंटेशन मलाजमा और अपने स्किन को इवन आउट करने के लिए मेरे बहुत छोटे 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 मलाजमा हाइपर पिगमेंट काइंड ऑफ स्किन हो चुकी थी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए एंड बिलीव मी आप इसको रेगुलर यूज टू मंथ्स तक कर लोगे ना आपको इसके मैं बोलूंगी नहीं आप यूज करो आप कमेंट करो मुझे ठीक है सो इसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मैं बात करूं ये किस तरीके से दिखता है कुछ ना येलोइश काइंड ऑफ इसका शेड है एंड कंप्लीटली फ्रेंड्स ये देखो वॉटरी काइंड ऑफ है चिपचिपन बिल्कुल नहीं आएगा ह्यूमिडिटी में यूज करो ऑयली स्किन टाइप है जैसी भी है आप यूज कर सकते हो सभी स्किन टाइप के लिए है नेक्स्ट फ्रेंड्स जो मैं दिखाने वाली हूँ ना Uh, वो मतलब मैं ऑलमोस्ट कह लो दो दिन में या एक दिन में तो यूज कर ही लेती हूँ और वो है ये फ्रेंड्स द फॉर्मूला का ये लैक्टिक एसिड सिरम है फ्रेंड्स ये डेफिनेटली प्राइस पॉइंट इसका हाई है फ्रेंड्स बट मैं ये कहूंगी कि एक ट्यूब ली मैंने इसको आई थिंक थ्री मंथ्स बैक लिया था और अभी तक यूज हो रहा है क्योंकि इसका सिर्फ पीस साइज अमाउंट लगता है दिस प्रोडक्ट गिव्स मी सच अ ब्यूटिफुल ग्लो सच्चा ब्यूटिफुल ग्लो कि मैं इंप्रेस हो गई हूँ मतलब सीरियसली दिस इज द मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोडक्ट एयरब्रश um, फेशियल कहते हैं इसको एंड पहले मुझे लगा था पता नहीं यार कैसा होगा क्या है इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूं बट इट्स वर्थ इट वर्थ इट आप इसको नाइट टाइम में लगाइएगा और मॉर्निंग में जो आप ग्लो देखोगे जो शाइन देखोगे जो स्मूथनेस देखोगे ना ऐसा लगेगा तो आपने टेन थाउजेंड का फेशियल करवाया था रात को जिसका रिजल्ट आपको मॉर्निंग मिल रहा है सो so, मुझे इस तरीके का इससे रिजल्ट मिला है So, अगर आप लोग सीरियसली मुझ पर बिलीव करते हो डेफिनेटली आप ये एक बार ट्राई करना बट 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 पैच टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे क्योंकि ना लैक्टिक एसिड थोड़ा स्ट्रांग है तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है या डैमेज स्किन है आपकी सो so आपको ये माइट बी इरिटेट कर सकता है सो प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसके साथ डेफिनेटली इसके ऊपर टॉपअप करती हूँ सेरामाइड का मॉइस्चराइजर कि भाई मुझे कोई इरिटेशन ना हो और मेरी स्किन सेंसिटिव ना हो जाए बैलेंस आउट करने के लिए मैं हमेशा इसके ऊपर टॉपअप करती ही करती हूँ अच्छा प्रोडक्ट है आप लोग इसकी कंडीशन देकर समझ गए हो गए मैं यूज कर रही हूँ सो so इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो गो एंड चेक इट आउट फ्रेंड्स हमने तो बात कर ली कि ऊपर से प्रोडक्ट्स लगाने की अगर कोई आपको इश्यू है इंटरनली तो तो जितने मर्जी प्रोडक्ट आप ऊपर से लगा लो कोई असर नहीं होने वाला एंड बिलीव मी सच बता रही हूं जब मेरी हेल्थ इश्यूज हुए थे ना तमाम प्रोडक्ट्स मैंने फेस पे लगाए कोई असर नहीं हुआ सो so, सबसे पहले अपनी इंटरनल हेल्थ अच्छी कीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट्स को आप ब्लेम कर सकते हो कि ये अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बट एक चीज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो है फ्लाई टिका की तरफ से लेट इट ग्लो इसके अंदर है फ्रेंड्स ग्लोटाथेन वाइटामिन सी सो so, काफी अच्छे इसके अंदर से कोलाजन भी है इवन तो ये आपकी स्किन को बूस्ट करता है कोलाजन को बूस्ट करता है आपकी स्किन टोन को बेटर करता है आपकी स्किन टोन इवन करता है और ग्लो लेकर आता है सिर्फ आपने एक स्कूप पीना है फ्रेंड्स दिन में एक ग्लास पानी के अंदर एंड दैट सेट यू विल गेट अ रियली गुड ग्लो और वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ठीक है झटके से आपको इतना अच्छा फेयर एंड ग्लास स्किन नहीं मिलने वाली बट धीरे धीरे डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर आप अपनी स्किन केयर पे स्टिक रहोगे प्रोडक्ट्स पे स्टिक रहोगे अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे स्लीप अच्छी लोगे सो डेफिनेटली आपकी स्किन ट्रीट जरूर होगी ठीक है ये सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड ट्रस्ट मी अगर आप अपनी स्किन केयर पे ट्रस्ट रखोगे और साथ में अच्छा आ, मतलब रूटीन फॉलो रखोगे अच्छा पानी पियोगे स्लीप अच्छी लोगे और साथ में थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स और लेते रहोगे जैसे होम रेमेडीज मिक्स कर ली तो आपको सची में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप काफी पैसे बचा लोगे डॉक्टर विजिट्स के खुद से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं बट सेफ साइड वाले ही ठीक है सो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय